फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप का जोन होता है. कोई भी आपका रिलेशन किसी के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ, खुद के साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो हम साउथ वेस्ट से डिनोट करते हैं. साउथ वेस्ट को स्किल्स का जोन भी कहा जाता है. स्किल्स यानी जो भी चीज आप करते हो, किसी भी चीज के काम को करते हो, उसके जो टूल्स यूज होते हैं, अगर आप साउथ वेस्ट में रखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप उन टूल्स को यूज कर पाएंगे. ऐसे जो भी आप काम करते हो, जो भी आप जिसके लिए स्किल्ड हो, वो स्किल का सामान आप अपना साउथ वेस्ट में रखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा. साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, स्किल्स और हमारी फैमिली हार्मनी का भी जोन होता है. जितने भी हमारी फैमिली इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे हम साउथ वेस्ट से देखते हैं. बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप, किसी के साथ भी रिलेशनशिप, वो भले हमारे साथ हो या किसी और के साथ हो, वो हम साउथ वेस्ट से डिनोट करते हैं. साउथ वेस्ट का कलर येलो होता है, यानी अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है. और अर्थ एलिमेंट मैंने आपको बताया कि अर्थ एलिमेंट के अंदर येलो कलर, ब्रास जो एलिमेंट होता है और उसकी स्क्वायर शेप होती है. आपका छोटी सी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है घर के अंदर, अपना साउथ वेस्ट जरूर बैलेंस करिए. और ये कहा जाता है कि जिसका साउथ वेस्ट परफेक्ट होता है उसका 90% वास्तु ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो साउथ वेस्ट अपना बिल्कुल परफेक्ट रखना है, राइट. अब ऐसे ही साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप का हमारा जोन हुआ. बट सारे 16 जोन्स एक डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन को गवर्न करते हैं. जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो हमारा खुद के साथ जो रिलेशन है या जो गॉड्स के साथ जो रिलेशन है उसको गवर्न करता है. अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हो तो आप किसी के साथ भी खुश नहीं हो सकते. तो नॉर्थ ईस्ट से आप खुद से, खुद के रिलेशन आप चेक करिएगा, तो जो आप खुद के साथ जो आपकी कॉम्पोजिशन है आप उसके अंदर रीइंस्टेट होना शुरू हो जाओगे और ऑटोमेटिकली एलिवेटेड फील करने लगोगे. यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारा फन एंड रिक्रिएशन का जोन होता है. हम फन किसके साथ करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं. तो हमारा फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन होता है वो हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी ईएनई से देखते हैं. ईस्ट ईस्ट हमारा कनेक्शंस का जोन होता है. गवर्नमेंट से जो कनेक्शंस हो गए, सोसाइटी से कनेक्शंस हो गए, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्शन हो गए, वो सब हमारे ईस्ट से गवर्न होते हैं. ईस्ट साउथ ईस्ट इन लॉज का जोन होता है. अगर इन लॉज के साथ हमारा कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, कोई अनबन टाइप में है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में चेक करिए कि क्या आपका एंटी एलिमेंट है और साथ में साउथ वेस्ट आपका बैलेंस है या नहीं है. उसके बाद साउथ ईस्ट हमारा डोमेस्टिक हेल्पर, क्लीनर, वॉशर, घर पे आपकी जो मेड आती हैं, जितने भी डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए वो सारे साउथ ईस्ट के साथ हम देखते हैं उनके साथ रिलेशन. कईयों के साथ मेड के साथ नहीं बनती. आप देखिएगा कि उनके साउथ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई इम्बेलेंस जरूर होगा. साउथ साउथ ईस्ट हमारा सिबिलिंग, रिलेटिव, इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो होते हैं, पुलिस, इन सबके साथ होता है. साउथ साउथ ईस्ट हमारा कॉन्फिडेंस एंड पावर का जोन होता है. तो जो लोग भी पावर में होते हैं, रिलेटिव हो गए हमारे, वो सारे के सारे रिलेशन हम साउथ साउथ ईस्ट से देखते हैं. वेस्ट साउथ वेस्ट में टेक्निकल एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज और आपका स्टाफ, कोई टेक्निकल काम में है आपका, तो सारा सारा वो वेस्ट साउथ वेस्ट से उसका रिलेशन देखा जाता है. क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट, जैसे सर ने बताया, वो नो हाउ की डायरेक्शन होती है. जितनी भी टेक्निकलिटीज होती है वो हम सारी वेस्ट साउथ वेस्ट से देखते हैं. वेस्ट से हमारा टीचर और गुरु, वेस्ट डायरेक्शन हमारी गुरु की डायरेक्शन होती है. तो गुरु से कोई रिलेशन, हमारी पेरेंट्स, टीचर्स हो गए हमारे, फ्रेंड्स हो गए हमारे, सप्लायर्स हो गए हमारे, मतलब बेसिकली जो आपके को कुछ सिखा के जाता है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट काउंसलर्स हो गए. क्यों? क्योंकि डिप्रेशन का जोन है, तो जो आपको काउंसलिंग करेगा आपकी, वो सारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखेंगे. हम साइकियाट्रिस्ट हमारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखे जाते हैं. नॉर्थ वेस्ट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्क पार्टनर, अगर आपको लोन चाहिए तो आप बैंक में जाते हो, वो सपोर्ट का जोन है, बैंकिंग का जोन है. बैंक से कोई रिलेशन में कोई आपका इफेक्ट आता है तो नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं हम. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेंसुअलिटी का जोन है, तो आपका जो सेक्स पार्टनर हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हम NNW से ही देखते हैं. ये 16 महावास्तु जोन हमारे रिलेशनशिप को गवर्न तो करते हैं, बट इनके साथ साउथ वेस्ट जरूर देखना है कि वो बैलेंस है या नहीं है.